ये क्या था जापना? नानी साहिबा, मैं कैसे इतने दिनों के बाद आई हैं, तो हम जरा सा अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। जरा सा इजहार क्या कर दिया आप, क्या बुरा मान गई? ना ना जापना, हम थोड़ी ना बुरा मानेंगे। ना ना ना, ये क्या था रानी साहिबा? हम आपसे ज्यादा प्यार करते ना, तो प्यार का इजहार भी ज्यादा होना चाहिए ना जापना। शुक्र है खुदा का कि आप इससे ज्यादा प्यार नहीं करती, वरना यहाँ से हम इस दीवार को तोड़ के नाले में ही पड़े पाए जाते हैं। खैर इन बातों को छोड़िए रानी साहिबा, ये देखिए हमारे शाही बागीचे के खूबसूरत चाही फूल, सब कितने खूबसूरत है ना, बिल्कुल हमारी तरह। ये भी कोई बागीचा है? अरे बागीचा तो हमारे मैके में हुआ करते हैं। क्या बड़े बड़े बागीचे, और बागीचे में ये बड़े बड़े गुलाब के फूल, यहाँ देखो गुलाब का फूल, वहां देखो गुलाब का फूल, और क्या खुशबू वाले फूल। रात दिन हम बस बागीचे में बैठा करते हैं और गुलाब के फूल की खुशबू लिया करते हैं। ये कौन सा जंगली फूल सुखाया आपने? जंगली? रानी साहिबा ये जंगली फूल नहीं है, ये हमारी रियासत का मशहूर हकड़ी बंदा फूल है। हकड़ी बंदा? जहां पना, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस हकड़ी बंदा फूल की बदबू सुगाने की? ऐसा फूल सूख के तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया। तो दिमाग पहले कौन सा ठीक था आपका? क्या ऐसे गंदे बागीचे में लेकर आएंगे तो दिमाग तो खराब ही होगा ना? तो मत आइए ना। क्या मतलब आइए आइए, आप नहीं आएंगी तो कोई और आ जाएगी। क्या कहा? ऐसा हो सकता है कि कोई और आ जाए? रानी साहिबा आपका बागीचा है, आपका महल है, आप ही आएंगी, आप ही आइए। नहीं जापना, हम तब तक इस बागीचे में नहीं आएंगे जब तक इस बागीचे के हर एक कोने से हमें गुलाब के फूल की खुशबू नहीं आती। हम तो क्या, हमारा नाखून भी नहीं आएगा। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, रानी साहिबा के मायके से लौटते ही उनकी नई मांग को पूरा करने के बोझ तले दबे हुए और मांग पूरी ना करने की स्थिति में अपनी दुर्गति को भांपते हुए धीरे धीरे कदमों से भारी तन मन से पधार चुके। तशरीफ रखिए। जहां पना, बहना की मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। भूखा पाया है, भागो भागो। क्या? ओ भाईसा, क्या बड़ी मांग नहीं है? हाँ, हमारी मांग छोटी करवाना चाहते आप? मांग टीका कहाँ पहनेंगे हम? हाँ, डाक पे। चलिए जाइए वहां बैठिए। बैठिए बैठिए। हाँ बिरबल जी, जरा खिसकिए। रानी साहिबा आप गलत समझ रही हैं, ये आपके मांग भरने वाली मांग की बात नहीं हो रही है, आपकी वो गुलाब की खुशबू वाली मांग की बात हो रही है। तो बलदेव अब आप ही बताइए कि हमारे पूरे बागीचे में ये गुलाब की खुशबू को किस तरह फैलाया जाए। जहां अपना जो गुलाब होता है वो गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ हो जापना। सरकारी दफ्तर से वार्षिक आंकलन की सूची आई है, आप जा सकते हैं। अब जा बना, ये हमारे राज्य की वार्षिक आकलन की सूची है, ये बताती है कि पिछले साल हमारे राज्य में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, साथ ही साथ ये जनसंख्या के स्वास्थ्य की जानकारी भी देती है। जापना इसके अनुसार पिछले साल भी हर साल की तरह हमारे राज्य में मर्दों की मृत्यु औरतों की अपेक्षा ज्यादा हुई है। ऐसा क्यों बीरबल? औरतों की तुलना में मर्द ज्यादा क्यों मरते हैं, इसकी कोई खास वजह? वो इसलिए जापना क्योंकि मर्दों के जीवन में तनाव ज्यादा होता है। और कैसा तनाव होता है मर्दों की जिंदगी में?
अरे अपनी बीवी का तनाव और कौन सा तनाव। बस 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 बहुत हो गया। नहीं रानी साहिबा ये सच बात है, आप हमें ही ले लीजिए। अब देखिए आपके ये गुलाब की खुशबू को लेकर हम इतने तनाव में घूम रहे हैं कि क्या बताएं। अच्छा आपके चेहरे पे तो तनाव का नामो निशान नहीं है जहां पना। जहां पना, इस सूची के अनुसार स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी गई है, हमारे राज्य में सिर्फ 0.5% लोग ही अंधे हैं। मतलब हमारे राज्य में 100 में से 99.5 लोग देख सकते हैं। जरूरी नहीं है जहां पना, जरूरी नहीं है कि जिनकी आंखें ना हो सिर्फ वही अंधे। कभी कभी आंखें होने के बावजूद इंसान अंधा होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप बीरबल, जिसकी आंखें हो वो अंधा कैसे हो सकता है। जहां पना बीरबल जी के बातों में मत आइए, ये तो यूं ही फेंकते रहते हैं। जहां पना आप चाहे पकड़े या छोड़े, हम अब भी कहते हैं कि आंखें होने के बावजूद कभी कभी इंसान अंधा हो जाता है। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। तो लीजिए बीरबल, यहाँ पर हमारी आंखें हैं, इन सभी लोगों की आंखें हैं, बताइए हम में से कौन अंधा है। वक्त आने पर आपके इस प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। जहां पना हम उस वक्त का इंतजार करेंगे बीरबल। साबित कीजिए कि आंखें होने के बावजूद इंसान अंधा हो सकता है। साबित कीजिए। ये हमारे कक्ष में इतना अंधेरा क्यों हुआ पड़ा है? नानी याद दिला दी। ये सब क्या है नानी साहिबा, मतलब रानी साहिबा? ये कमरे के खिड़की दरवाजे सब बंद करके अंधेरा करके क्यों बैठी हैं आप? क्या पागलपन है ये? ये पागलपन नहीं जहां पना, गुलाबपन है। पिछले 2 दिन से आपने हमारी मांग पूरी नहीं की और कुछ कर भी नहीं रहे हो। कान खोल कर सुन लीजिए जहां पना, अगर हमारे शाही बाग के कोने कोने से गुलाब के फूल की खुशबू नहीं आई तो हमारी खुशबू इस कमरे से नहीं हटेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम इस कमरे से नहीं हटेंगे, इसी तरह अंधेरे में सब कुछ बंद करके बैठे रहेंगे। नहीं 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 रानी साहिबा, ऐसे बहुत अंधेरा होता है तो भूत भूत भी आ जाते हैं, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। आप घबराइए मत, आपको अंधेरे से उजाले में हम लाएंगे, जरूर लाएंगे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा रानी साहिबा, इतना बस अंधेरा कम कीजिए ना। जरूर लाएंगे।